हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी या 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी 40108 एम्बुलेंस को नई गाड़ियों के साथ रिप्लेस किया गया। नए उपकरणों से लैस इन नई 40 एम्बुलेंस को सीएम कमलनाथ ने राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के साथ गैस राहत मंत्री आरिफ अकील मौजूद रहे। पीसी शर्मा ने कहा कि वचन पत्र के अनुसार ही लोगों की सुविधाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है, महत्वपूर्ण बताया है। आज यहां पे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हरी झंडी उन्हें दिखवाई है और ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, ये गाड़ी तुरंत जाती है, इसमें डॉक्टर भी रहता है, फर्स्ट एड इसमें रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। इसके लिए जितना आभार पूरी जनता की तरफ से, भोपाल की और मध्य प्रदेश की, मैं मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी और उनके पूरे विभाग का, मुख्यमंत्री उनका वो और वचन पत्र में था जिसको मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश पे पूरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार अब नया प्लान बना रही है। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर उनसे वर्तमान तय उम्र से 3 साल ज्यादा काम कराने के अलावा नई भर्ती के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स से सरकार काम लेने पर विचार कर रही है। आज का दिन हमारे मध्य प्रदेश के लिए 108 हम लोगों ने आम जनता की सुविधा के लिए घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, 108 पे आप कॉल करो, चाहे कोई सी घटना दुर्घटना के लिए हमारी 108 तैयार रहेगी। कोई भी जो हमारा मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि घटना के समय उनको अस्पताल भेजने का काम ये 108 करेगी, ये हमारा लक्ष्य है। फिलहाल सरकारी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है, जिसे बढ़ाकर 68 करने पर सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि हर साल प्रदेश में करीब 150 से 200 डॉक्टर्स रिटायर होते हैं। इस नए प्लान के बाद उनकी सेवाएं 3 साल ज्यादा ली जा सकेंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना